तुम लोगों का जीवन व्रत। मनुष्य केवल अपने ज्ञान, बुद्धि अथवा सामाजिक मर्यादा के द्वारा किसी महान आदर्श को स्थापित नहीं कर सकता, एकमात्र अपने आचरण के माध्यम से ही इसे कर सकता है। आध्यात्मिक साधना के द्वारा ही मनुष्य के आचरण में परिशुद्धता आती है। इसके लिए उसे तथाकथित ऊंचे वंश में जन्म ग्रहण करने या विश्वविद्यालय की डिग्री लेने की जरूरत नहीं है। इससे बल्कि उसके मन में एक मिथ्या अहंग बोध पैदा हो सकता है, जो अंततो गत्वा उसके आचरण के परिशीलन में बाधा पैदा कर सकता है। हमारे इस विश्व में दो शक्तियां समानांतर रूप से सक्रिय हैं, एक है सात्विकी की शक्ति और दूसरी है तामसी की शक्ति। कभी सात्विकी की शक्ति प्रबल होती है तो कभी तामसी की शक्ति प्रबल होती है। इसके बीच कभी भी कोई समझौता होने का उपाय नहीं है। इन दोनों विपरीत शक्तियों के अंतहीन संघर्ष के बीच से होकर ही मनुष्य को आगे बढ़ना होगा। इस समाज में एक ओर हम देखते हैं समाज द्रोहियों के हाथों में संचित विपुल धन संपदा और दूसरी ओर देखते हैं नीतिवादियों में जमी हुई एक गहरी निराशा। अतएव इन नीतिवादियों के अंदर इस समाज त्याग करने की प्रवणता क्रमशः बढ़ रही है। धन संपदा और प्राप्ति में क्रमागत वृद्धि करके समाज द्रोही लोग छाती फुला कर चलते हैं। यह अवस्था वांछनीय और शोभनीय नहीं है, इसे और चलने नहीं दिया जा सकता। तुम लोगों का कर्तव्य है सारे नीतिवादियों को एकताबद्ध करना। तैयार हो दो शिविर, हो जाए लड़ाई आमने सामने। पांच नीतिवादियों की एकताबद्ध शक्ति 100 नीति विहीन व्यक्तियों के शक्ति से बहुत अधिक होती है, क्योंकि नीति वर्जित व्यक्तियों का जमावड़ा असाधु उद्देश्य से होता है। दरवाजा बंद करके कमरे में बैठकर केवल साधना में मग्न होने से नहीं चलेगा। आध्यात्मिक साधना के माध्यम से शक्ति संग्रह करो और नीति वर्जित लोगों के विरुद्ध अपने को संघबद्ध करो। अतः तुम लोगों के त्रिस्तरीय कर्तव्य हैं। प्रथम कर्तव्य है नैतिकता का पालन करना और आध्यात्मिक साधना करना। इसे न करने पर मानसिक दृढ़ता अर्जित नहीं कर सकोगे। तुम लोगों का दूसरा कर्तव्य है विश्व के सभी नैतिकवादियों को एकताबद्ध करना, अन्यथा धर्म स्थापना नहीं हो सकती। शोषित जनसाधारण जो नैतिकता की मूल विधि यम नियम को नहीं मानते, वे अपने अंदर की हताशा के विरुद्ध संग्राम नहीं कर सकते। इसी कारण नैतिकवादियों को संघबद्ध करने की जरूरत है। यही होगा तुम लोगों का प्रकृत धर्म। इसे करने पर तुम लोग महान बन जाओगे, क्योंकि बृहत की भावना ही मनुष्य को बृहत बनाती है। तृतीय स्तर पर दुनिया में जहाँ भी पाप शक्ति जड़ जमाए बैठी है, वहीं पर तुम लोगों को क्षमाहीन संग्राम चलाते रहना होगा। घर घर में तुम लोगों को इस आदर्श का प्रचार करना होगा। कोई राजनैतिक दल अथवा तथाकथित आध्यात्मिक प्रतिष्ठान मनुष्यों को मुक्ति नहीं दिला सकते। केवल खोल करताल बजाकर भगवान के नाम कीर्तन से समाज की मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि इससे पापी लोग बसीभूत नहीं होंगे। पाप शक्ति की तांडव लीला को बंद करने के लिए खोल करताल की अपेक्षा अस्त्रों की ही जरूरत अधिक है। मन में थोड़ी सी भी दुर्बलता रहने पर पाप शक्ति के विरुद्ध अधिक दिनों तक संग्राम नहीं किया जा सकता। लेकिन इस संग्राम में पाप अथवा पापीगण तुम लोगों के मूल्य लक्ष्य नहीं हैं। तुम लोगों के मूल्य लक्ष्य हैं परम चैतन्य सत्ता। चलने की राह में जो बाधाएं आएंगी, उन्हें निर्ममता पूर्वक हटा देना होगा। बादल जब ध्रुव तारा के चारों तरफ जमा होकर उसे ढक लेते हैं, उस समय तुम लोगों का कर्तव्य होगा उन बादलों को हटा देना। और बादल कहाँ गए उस ओर देखने की जरूरत नहीं है, ध्रुव तारे की ओर आगे बढ़ना है। यदि तुम हमेशा शत्रु के ही बारे में सोचोगे, तब तुम लोगों के मन में उसी ध्येय वस्तु की खराब गुणावली आ जाएगी। लेकिन यदि तुम लोगों के लक्ष्य परम पुरुष हैं, तो तुम लोगों का मन परम पुरुष में ही रूपांतरित हो जाएगा। याद रखो, तुम लोगों को मानवता की सेवा करनी होगी। समग्र मानव जाति के स्वार्थ में तुम्हें आत्मोत्सर्ग करना होगा। तुम लोगों का जीवन मूल्यवान है,
तुम लोगों का समय और भी मूल्यवान है। एक पल का भी समय तुम लोगों को नष्ट नहीं करना है। तुम लोगों का कर्तव्य कर्म गौरवमय है, तुम लोगों का कर्तव्य कर्म अभिनव है। योद्धा जीवन यापन करो और अशुभ शक्तियों के विरुद्ध विरामहीन संग्राम चलाते चलो। जय तुम लोग होगे ही, इसलिए आगे बढ़ो, आगे बढ़ो।